कोलोन कैंसर सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना वक्त लग सकता है, तो व्हाट इज रिकवरी टाइम आफ्टर कोलोन कैंसर सर्जरी, आज हम डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स और कैंसरस कंडीशन और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो क्वेरी कई सारे पेशेंट्स के मन में होती है कि कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोस हुआ है और इसके लिए सर्जरी एडवाइस की गई है। तो कई सारे पेशेंट्स में ये डाउट होता है, क्वेरी होती है कि इसके रिकवरी में कितना टाइम लगेगा और व्हेन कैन आई गो बैक टू माय नॉर्मल एक्टिविटी। तो आजकल के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सबको ये एंजाइटी होती है कि क्या मेरा वर्क काम में टाइम मिस होगा, कितना लीव लेना पड़ेगा, या कब मैं अपना फैमिली के साथ में नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, नॉर्मल वॉकिंग अराउंड या घर के काम या अपने जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कोलोन कैंसर के सर्जरी के बाद रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप रिकवरी को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कोलोन कैंसर में सर्जरी की जाती है वो कौन सी सर्जरी की जाती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कोलोन कैंसर में जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो वो ट्यूमर और उसके आजू बाजू का यानी कि सराउंडिंग एरिया ऑफ नॉर्मल कोलोन को निकालना पड़ता है, और इसके साथ साथ उसके फीडिंग ब्लड वेसल्स और उन ब्लड वेसल्स को सराउंड करने वाले लिम्फ नोड्स को भी हम रिमूव करते हैं। इसे हम लिम्फेडिनेक्टोमी यानी कि लिम्फेटिक क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं, और ये कैंसर ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है। और इसके साथ साथ हम इस दो और जो निकाला हुआ कोलोन है उसको एक साथ में जोड़ देते हैं ताकि इंटेस्टिन्स का जो कंटिन्यूटी है वो बना रहता है। तो ये प्रोसेस में कभी कभी 4 से 6 घंटे का सर्जरी लग सकता है, और सर्जरी 3-4 प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि एक ओपन सर्जरी जो कि कन्वेंशनल सर्जरी है यानी कि स्टिचेस वाली सर्जरी जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। द सेकेंड इज लैप्रोस्कोपिक और मिनिमली इन्वेजिव दैट इज की होल सर्जरी, और थर्ड जो कि आजकल सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मोडालिटी जो हमारे पास में आया है और जो हम आजकल रूटीनली परफॉर्म कर रहे हैं जिसे कहा जाता है रोबोटिक सर्जरी, यानी कि रोबोट के माध्यम से इसे किया जाता है। तो रिकवरी टाइम इज डिफरेंट फॉर ऑल द थ्री। सो जब हम बात करते हैं कोलोन को निकालने की तो इसके साथ साथ जो कोलोन को सप्लाई होने वाले जो नर्व है इसे भी हमें निकालना जरूरी पड़ जाता है, और जो बचा हुआ जो कोलोन होता है इसे इस नर्व सप्लाई के बिना रिकवर होने में कुछ वक्त लगता है। इसे नॉर्मल मूवमेंट्स या नॉर्मल मोटिलिटी में आने में कभी कभी 3 से 4 दिन तक लग सकता है, और यूजुअली ये जो टाइम पीरियड है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में स्पेंड करना पड़ता है। ये जो सर्जरी के बाद के जो भी 3, 4 या 5 दिन होते हैं ये इंटेस्टिन की एक्टिविटी को रिकवर होने में लगता है। अगर इंटेस्टिन की एक्टिविटी नहीं है तो ये स्वाभाविक है कि हम पेशेंट को मुंह से यानी कि ओरली ज़्यादा क्वांटिटी में फीड नहीं कर सकते, सो उन्हें आईवी यानी कि सलाइन के माध्यम से हमें फीड करना पड़ता है। तो ये कुछ दिन आपको हॉस्पिटल में बिताना ज़रूरी होता है। तो यूजुअली इंटेस्टिन की एक्टिविटी 3 से 4 दिन में वापस आती है जब पेशेंट को गैसेस और मोशन पास होने लगता है। इसके बाद हम पेशेंट को डाइट शुरू करते हैं। कोलोन कैंसर सर्जरी में क्या डाइट लेना चाहिए इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो जल्द ही रिलीज करने वाले हैं, मेक श्योर टू फॉलो दैट। और डिपेंडिंग की सर्जरी कैसे की गई है, ओपन या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, द रिकवरी टाइम इज डिफरेंट, क्योंकि अगर सर्जरी ओपन तरीके से की गई है तो रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि स्टिचेस को हील होने में और उसका पेन और उस एरिया का स्टिफनेस कम होने में कुछ समय लग सकता है। तो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि बेड से बाहर निकल के घूमना, चलना फिरना या अपने आप से विदाउट सपोर्ट वॉशरूम जाना, इसमें 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है। यही चीज़ अगर लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ द लेस पेन, लेस स्टिचेस, पेशेंट कैन वॉक अराउंड मे बी सेम डे
या फिर विद इन 48 आवर्स मैक्सिमम पेशेंट्स उठ के चल फिर सकते हैं, अपना यूजुअल लाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं। यूजुअली 4 या 5 दिन के बाद पेशेंट घर भेज सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर सब ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 4 to 5 डेज इज अ एवरेज स्टे। 5 दिन के बाद आप घर जा सकते हैं, घर में अपना यूजुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। हाँ, इसमें हैवी एक्सरसाइजेस या लिफ्टिंग ऑफ वेट्स बियॉन्ड 3 से 4 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है आपको फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स आफ्टर द सर्जरी, क्योंकि इसमें स्टिचेस हीलिंग फेज में होते हैं इस टाइम पे, और इन पे अगर कोई ज़्यादा लोड आए तो ये स्टिचेस ब्रेक होके वहाँ से वुंड में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो यूजुअल रिकवरी टू ब्रिंग बैक द पेशेंट टू अ कम्प्लीटली नॉर्मल प्री सर्जरी लेवल ऑफ एक्टिविटी लगभग 4 से 6 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो यूजुअली अगर ओपन सर्जरी है तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी अप टू 2 मंथ्स, जबकि लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक में ये टाइम लेस, यानी कि 2 to 3 वीक्स में भी कभी कभी नॉर्मली पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। सो दिस इज द यूजुअल टाइम फ्रेम ऑफ रिकवरी आफ्टर कोलन कैंसर सर्जरी। अगर आपको कोलन कैंसर के सर्जरी के बारे में कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई चीज़ें क्लैरिफाई करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल बी श्योर टू रिप्लाई टू योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट फॉर एनी GI कैंसर रिलेटेड क्वेरीज एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।